वेलकम बैक दोस्तों मेरे चैनल पे। तो वीडियो थोड़े दिन बाद आया क्योंकि मैं बिजी था, मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, ठीक है। तो वीडियो आते रहेंगे उसका टेंशन मत लो। तो आज हम लोग देखने वाले एक DWM का, डेटा वेयरहाउस एंड माइनिंग का इम्पोर्टेंट टॉपिक, के मींस क्लस्टरिंग। ये मतलब बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। मैं खाली DWM में नहीं बोल सकते, आप मशीन लर्निंग में भी बोल सकते, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो देखते ये क्या होता है, शॉर्ट में बता देता हूँ क्या होता है। और इसके जो DWM में जो सम आते हैं 10 मार्क के लिए, 80% चांसेस रहता है यूनिवर्सिटी में आने का, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे कि ये कैसे आते हैं, ठीक है। तो के मीन्स क्लस्टरिंग क्या करता है, बेसिकली वो पार्टीशन करता है इस के वैल्यू पे, इस क्लस्टर के वैल्यू पे डिपेंड करता है कि वो पार्टीशन किस तरह से होगा, ठीक है, वो कौन से क्लस्टर में जाएगा। बेसिकली पार्टीशन एल्गोरिदम है और बोल सकते अनसुपरवाइज, सिंपलेस्ट अनसुपरवाइज लर्निंग मेथड है, ठीक है। तो देखते इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। तो क्या रहेगा कि एक्सप्लेन के मीन्स एल्गोरिदम, मतलब पहला शॉर्ट में ये रहेगा कि आपको ये लिखना रहेगा। फिर आएगा क्वेश्चन क्या, अप्लाई के मीन्स एल्गोरिदम फॉर द गिवन डेटा सेट विथ टू क्लस्टर, और ये डेटा सेट दिया है। तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने इधर कुछ अंडरलाइन किया टू क्लस्टर्स, तो वो इसलिए किया है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो ये सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्टेप दिखा देता हूं एक बार, ठीक है, कि क्या होंगे स्टेप्स। तो आप लोग देख सकते हो, देखो क्या है। स्टेप वन, सिलेक्ट रैंडम सेंट्रोइड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट इज के। तो कुछ स्टेप्स लिखे, चार ही स्टेप है इसमें, ज्यादा कुछ बड़ा है नहीं। अगर ये सम आ गया तो आप हंसते खेलते 10 मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। तो हम लोग करते हैं, ये आपको स्टेप्स में बताते रहूंगा बीच बीच में कैसे करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो क्या है पहला कि क्या करने का, हम लोग को दो रैंडम सेंट्रोइड वैल्यू सिलेक्ट करना है, ठीक है। दो रैंडम सेंट्रोइड वैल्यू सिलेक्ट कर, तो मैं सेंट्रोइड वैल्यू क्या करता हूं, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो मैं 19 और 28 सिलेक्ट करता हूं, आपको जो चाहिए आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। ये मई 2017 में आया है क्वेश्चन, ठीक है। मैं बता देता हूं कौन से ईयर में आया। तो दो सेंट्रोइड वैल्यू मैंने सिलेक्ट कर ली, C1 C2। क्या है वैल्यू, 19 और 28। तो स्टेप वन मैंने बोला था क्या कि सिलेक्ट रैंडम सेंट्रोइड वैल्यू डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ क्लस्टर दैट इज के। अब इधर क्या है कि ये क्लस्टर कितने में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो इधर लिखा है टू क्लस्टर्स में, इसके लिए C1 C2 आया। अगर थ्री क्लस्टर्स रहता क्वेश्चन में तो हम तीसरे थर्ड में जाते, मतलब थर्ड C3 भी बनाते हैं। अब फोर क्लस्टर्स रहता तो C4 बनाते, ठीक। क्योंकि क्वेश्चन में दो ही क्लस्टर्स है, ठीक है, टू क्लस्टर्स, तो इसके लिए C1 C2। रैंडमली सिलेक्ट करना है, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं कि मैंने 1928 किया, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो सिलेक्ट करो, ठीक है। फिर स्टेप टू क्या है, जनरेट द क्लस्टर्स। अब क्या है, हम लोग को ये दो क्लस्टर बनाने, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो हम लिख लेते C1 इक्वल टू, ठीक है। अब ये क्लस्टर का रैंडम वैल्यू सिलेक्ट क्या किया, 19। तो हम लोग देखेंगे 19 सिक्के आसपास कौन सा है, मतलब क्या अगर 19 से मैं माइनस करूंगा नंबर, और जिस नंबर का वैल्यू कम रहेगा 19 और 28 में से, सेम नंबर माइनस होगा, और जो वैल्यू जिसका कम रहेगा वो 19 में जाएगा, ठीक है। तो देखते कैसे, तो पहला 15 है, तो 19 माइनस 15 कितना हुआ, 4, ठीक है। और 28 माइनस 15 कितना हुआ, 13। तो कम किसका वैल्यू है, 4, मतलब 19 का, तो ये C1 में जाएगा, ठीक है, सिर्फ माइनस करके देखने का है। फिर वापस 15 इसमें ही जाएगा 19 में, क्योंकि 4 ही है डिफरेंस। फिर 19 माइनस 16 कितना है, 3 है डिफरेंस। और 28 माइनस 16 कितना है, 12। तो ज्यादा हो रहा है इधर, तो हम लोग इधर डाल नहीं सकते, तो हम लोग 19 में ही डालेंगे, ठीक है। फिर 19 माइनस 19 तो 0 आएगा, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं। फिर 19 माइनस 20 कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, तो 1 ही आएगा, तो इसमें ही आ जाएगा वो वैल्यू फिर से, क्योंकि 28 माइनस 20 कितना आएगा, 8, तो हम लोग उसमें नहीं डाल सकते, ठीक है। तो आप लोग देखो मैं किस तरह से वैल्यू डाल रहा हूं। फिर 19 माइनस 21 कितना आएगा, कितना आएगा, 2 ही आएगा, और ये कितना आएगा, 21 तो 7 आएगा, तो वैल्यू ज्यादा हो रहा है। तो कम वैल्यू के लिए हम लोग इसका भरते रहेंगे, ठीक है। फिर आ रहा है क्या, 22,
तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्लस्टर खत्म हो रहा है, क्यों? क्योंकि 28 स्टार्ट होगा, तो 28 माइनस 28 कितना होगा? जीरो ही होगा, तो हम लोग को फिर C2 क्लस्टर में डालना पड़ेगा वो 28, ठीक है? फिर चेक करना पड़ेगा 35 माइनस 19 कितना होगा, तो 16 हो रहा है, और इससे कितना माइनस होने पे कितना आ रहा है? 7 ही आ रहा है, तो ऑब्वियसली इसमें आएगा सेकंड क्लस्टर में, ठीक है? फिर 40 माइनस तो 12 ही है, और इधर डिफरेंस ज्यादा है, जिधर डिफरेंस कम रहेगा उसमें डालने का, ठीक है? तो इधर 40 आया, 41, 42, 43, 44, 60, 61 एंड 65। तो देख सकते हैं आप लोग, दो क्लस्टर मैंने जनरेट कर लिया, तो हमारा स्टेप टू भी हो गया। अब स्टेप थ्री क्या था हमारा, कि टेक मीन ऑफ द न्यू क्लस्टर एंड अगेन जनरेट द क्लस्टर्स। मतलब क्या, हम लोग को दोनों का मीन लेना। अब मीन लेना तो सबको आता ही है, ठीक है? फिर भी एक का मैं करके दिखा देता आपको कैसे करते, बाकी का डायरेक्ट आंसर लिखूंगा और सबको पता ही रहता है। तो किस तरह से करते मैं बता देता आपको, आप लोग देख सकते हो किस तरह से कर रहा हूं मैं। तो 15 प्लस 15 प्लस 6, ओ एक मिनट, 15 प्लस 15 प्लस 16 प्लस 19 प्लस 19, जितना भी वैल्यू है वो सब हम लोग को डालना है, ठीक है? प्लस 21 प्लस 22, तो देख सकते हो सब वैल्यू एंटर कर दिया, और नीचे डिवीजन में क्या आएगा, नंबर ऑफ टोटल नंबर, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 है, तो डिवाइड बाय 9 जाएगा, तो इसका आंसर आया 18.55, ठीक है? तो हम लोग ये वैल्यू लिख लेंगे, C1 का मीन कितना है 18.55, और C2 का कैलकुलेट करने के बाद आता है 45.9, ठीक है? एक मिनट आप लोग को दिखा देता हूँ मैं, ठीक है? तो देख सकते हो आप कितना है 45.9, अगर आप सबको ऐड करके फिर नंबर टोटल नंबर कितना उससे डिवाइड करने का। तो अभी क्या हुआ, हमारा मीन चेंज होगा, पहले ये था, अब हमारा मीन ये हो गया है, ठीक है? तो अब इसके बेसिस पे हम लोग वापस नया क्लस्टर बनाएंगे, ठीक है? तो इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, अगर पॉइंट में तो 19 कर देते, और इसको भी राउंड ऑफ कर देते 46 कर लेते, ठीक है? तो आप लोग देख सकते हो कैसे राउंड ऑफ कर दिया, क्योंकि 18.5 से ज्यादा है, ठीक है? तो इसका वापस क्लस्टर बनेगा, तो 19 माइनस सेम 19 नहीं है, और ये भी 19 था, तो को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, आपको समझ आए कि क्या किया है मैंने, माइनस करके देखने का, जिसका डिफरेंस कम रहेगा उसके क्लस्टर में वो डालते जाने का, ठीक है? अब देखो 22 तक तो मैंने भर दिया, अब इधर क्या मीन चेंज हो गया, 45 आ गया, ठीक है? तो हम लोग को 45 माइनस 28 देखना पड़ेगा इस डेटा सेट से, ठीक है? तो 45 माइनस 28 कितना होगा, आई गेस 5 और 2 17 हो रहा है, ठीक है? और 18 में से 28 का तो 10 ही बचा है, तो 28 भी इसी क्लस्टर में आएगा, देखा एक वैल्यू ऐड हो गया। फिर उसके आगे देखते हैं हम लोग 35 के लिए, तो 35 माइनस 45 10 ही रहेगा, और 18 में से 35 गया तो 17 है, तो वैल्यू ज्यादा हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग नहीं डाल सकते, तो उसको किस में डालेंगे, C2 में डालेंगे, ठीक है? फिर 40 में से तो 5 बचेगा, तो आगे का सब वैल्यू इसमें ही आएगा, क्योंकि वो बड़े वैल्यूज है, ठीक है? आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हो कि माइनस सब्ट्रैक्शन करने के बाद किसका वैल्यू किसमें, किसका वैल्यू कम आ रहा है, ठीक है? इसमें जा कम हो रहा है तो इसमें डालेंगे, अगर इसमें कम हो रहा है तो इसमें डालेंगे। तो वापस से हम लोग ने क्लस्टर बना लिया, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से इसका मीन निकालेंगे, ठीक है? तो C1 का मीन आएगा 19.5, और C2 का मीन आएगा 47.89। तो अभी सबको क्वेश्चन आ रहेगा, अरे अरुण अगर ये करते ही जाएंगे करते रहेंगे तो खत्म किधर होगा इस, ठीक है? तू तो बोला कि ना इजी हंसते खेलते मार्क्स मिलेंगे इसमें, तो मैं बता देता हूं कि स्टेप फोर क्या है इसका। फाइंड द मीन ऑफ द क्लस्टर अंटिल द मीन ऑफ द प्रेजेंट एंड द प्रीवियस क्लस्टर मैचेस, ठीक है? तो क्या बोला है इसमें, कि जब ये मीन और ये मीन मैच हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट और प्रीवियस, तो वहां पे हम लोग स्टॉप कर देंगे। तो हम लोग को इटरेशन 1 में नहीं मिला सेम, इटरेशन 2 में नहीं मिला, अब हम लोग इटरेशन 3 पे जाएंगे, ठीक है? तो सॉल्व करते, तो देख ले, तो मीन इसका ये 19 और 47, तो अभी हम लोग के लिए मीन क्या हो गया 20 और 48, ठीक है? तो इसके बेसिस पे हम लोग क्लस्टर्स बनाएंगे।
देख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो देखो फिर कैसे सॉल्व कर रहा हूं मैं। तो इसके बाद आएगा हमारा सी वन, क्या आएगा, 15, 15, 16, 19, क्योंकि हमारा मेन 20 है। ठीक है, तो और इसी डेटा सेट को देख के हम लोग को बनाना है। ठीक है, तो मैं उसी को देख के बना रहा हूँ, तो टेंशन मत लो आप लोग। ठीक है, 20, 21, 22 एंड 28। ठीक है, तो फिर अभी 20 था, तो 20 माइनस 35 कितना, 15 हो रहा है, और 48 माइनस 35 कितना हो रहा है, 13 हो रहा है। तो इसके आगे नहीं जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू ज़्यादा है, तो इसमें आ जाएगा वो 35। फिर हम लोग इधर 80 आ रहा है डिफरेंस, तो आगे का वैल्यू इसमें ही आएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू फिल किया मैंने, तो ये क्लस्टर बन गया। अब क्या करेंगे, मीन निकालेंगे, हर बार मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के बाद इसका वैल्यू कुछ आ रहा है 19.5 और 47.89। तो अभी मैंने स्टेप 4 बोला था कि अगर मीन प्रीवियस और प्रेजेंट का सेम आएगा तो हम सम स्टॉप कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो इटरेशन 2 और इटरेशन 3 के बाद जो मीन आ रहा है वो मैच हो रहा है। मतलब क्या, हमारा क्लस्टर जो बन गया वो कुछ इस तरह से बना है, 15 से लेके 28 तक का एक क्लस्टर और 35 से लेके 65 तक का एक क्लस्टर। तो बस इतना ही करना है इसमें। ठीक है, तो देखा आपने, तीसरे इटरेशन में हमारा सम खत्म हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि फर्क क्या गिरेगा अगर आपने 19 और 28 नहीं लिया तो। ठीक है, कोई भी नंबर लिख सकते हो, आंसर यही आएगा। देखो आंसर ना यही आने वाला है, कोई चेंजेस नहीं होंगे आंसर में। मैं बताता हूँ क्या होगा, एक्स्ट्रा क्या हो जाएगा। अगर आप 15 28 लेते हो, 15 22 लेते हो, या फिर 16 22 लेते हो, कोई भी ऐसा रैंडम नंबर लेते हो, तो हो सकता है नंबर ऑफ इटरेशंस बढ़ जाए। ठीक है, जैसे मेरे को 3 इटरेशन में आ गया सम खत्म हो गया, हो सकता है आपका चौथा इटरेशन या पांचवा इटरेशन चला जाए, बस सम थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा, आंसर चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो देखा दोस्तों कितना सिंपल है, सिर्फ आपको माइनस करना है और मीन निकालना है, माइनस करना है और मीन निकालना है, बस और आंसर आ जाएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस मेरा वीडियो देखने के लिए, आपका टाइम निकाल के। प्लीज 3 अच्छे काम करो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और लाल कलर को बटन को प्लीज चेंज करो, ग्रे में कन्वर्ट करो, वीडियो को लाइक करो, और प्लीज शेयर कर दो उन बंदों से जिनको इसमें डिफिकल्टी आ रही है, जल्दी जल्दी शेयर करो, एग्जाम्स आने वाले लोगों की। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि रहेगा एक अच्छा टॉपिक रहेगा और 100% जिसका चांसेस रहता है यूनिवर्सिटी में आने का। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में।